नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड बडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ सैमसंग गैलेक्सी A32 जो रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है। और रिसेंटली जो इंडिया में लॉन्च हुआ है वो A32 का 4G वेरिएंट है। यहाँ पे 5G वेरिएंट लॉन्च नहीं किया गया है। 5G वेरिएंट इंटरनेशनली लॉन्च किया गया है जबकि इंडिया में सिर्फ 4G वेरिएंट ही लॉन्च किया गया है। तो शुरू में ही एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो गया है इस डिवाइस से, लेकिन इस डिवाइस में उसके अलावा भी काफ़ी सारे अच्छे चीज़ें दिए गए हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग आज इस वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करके वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो ये है बॉक्स पैकेजिंग, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फ्रंट से सिमिलर सैमसंग का टिपिकल डिज़ाइन है, पीछे में भी सैमसंग का टिपिकल डिज़ाइन है बॉक्स का, और पीछे में कुछ की स्पेसिफिकेशन मेंशन किए गए हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले है 90Hz का FHD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे सैमसंग का फर्स्ट डिवाइस ये है जिसमें 90Hz का सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, और वो भी इस रेंज के डिवाइस में। फ्लैगशिप डिवाइसेस में हायर रिफ्रेश रेट पहले से ही था, लेकिन मिड रेंज में हायर रिफ्रेश रेट ये फर्स्ट टाइम है। और उसके बाद आपको यहाँ पे 64MP का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, साथ ही में 5000mAh का बैटरी देखने को मिलेगा। और उसी के साथ में इस बार इस डिवाइस में आप लोगों को मीडियाटेक का हेलियो G80 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो मिड रेंज में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन A32 का जो प्राइस है वो थोड़ा सा हायर मिड रेंज में जाता है, तो वहाँ पे ये प्रोसेसर थोड़ा सा ठीक ठाक है, इससे थोड़ा अच्छा प्रोसेसर दे सकते थे सैमसंग। और बाकी स्पेसिफिकेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे क्वाड कैमरा सेटअप में से बाकी कैमरा क्या है। बाकी कैमरा में से आप लोगों को एक 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 5MP का डेप्थ सेंसर और 5MP का मैक्रो कैमरा दिया गया है। साथ ही में आपको 20MP का एक फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। और डिवाइस में आप लोगों को 6GB और 128GB वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा। ये फ़ोन मैंने ऑफलाइन से परचेज़ किया है, ये स्पेसिफिकली ऑफलाइन फ़ोन है। और उसके अंदर में आप लोगों को एक कैशबैक ऑफर भी यहाँ पे मिल रहा है। ये देखिए, मेरा जो बिल था ऑफलाइन का बिल, मैंने दुकान में ही फ़ोन को ओपन कर लिया था तो बिल उन्होंने अंदर ही डाल के दे दिया। तो बॉक्स के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट में डिवाइस देखने को मिल जाएगा, मेरे पास ब्लू कलर में है, मैंने ब्लू कलर परचेज़ किया। और उसके बाद बॉक्स में देखेंगे तो यहाँ पे एक पावर अडाप्टर मिलेगा आपको। पावर अडाप्टर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 15W का यहाँ पावर आउटपुट आपको देगा, हालांकि यहाँ पे 25W का ये लोग दे सकते थे। और साथ ही में नॉर्मल USB पावर अडाप्टर है, Type-C to Type-C पावर अडाप्टर नहीं है। और यहाँ पे उसके साथ में आप लोग एक Type-C केबल देखने को मिल जाएगा, स्टैंडर्ड क्वालिटी का Type-C केबल है, सैमसंग का टिपिकली Type-C केबल है जैसे वो देते आ रहे हैं। और उसके बाद इस साइड में और कुछ नहीं है, बॉक्स के उल्टे साइड में एक और एनवेलप है। और इस एनवेलप के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे शायद कुछ यूज़र मैनुअल वगैरह होंगे, और यहाँ पे क्विक स्टार्ट गाइड, यूज़र मैनुअल, वारंटी इन्फॉर्मेशन ये सब दिए गए हैं। और उसके साथ में इस साइड में यहाँ पे सिम इजेक्टर पिन भी दिया गया है। लेकिन गौर करने वाली बात है, यहाँ पे आप लोगों को कोई भी बैक कवर देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे भी कॉस्ट कटिंग कर लिया है सैमसंग ने। चलिए प्लास्टिक रैप को हटा लेते हैं। और फ़ोन को हम लोग बूट कर लेते हैं, और ये आप लोग देख सकते हैं बैक डिज़ाइन कैसा है। चलिए इसको भी हटा देते हैं, और इसके बाद देख सकते हैं बैक का डिज़ाइन इस बार रिफ्रेश किया गया है। सैमसंग के टिपिकल बैक डिज़ाइन से ये कुछ अलग सा है और देखने में काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है। स्पेशली कैमरे का जो लेआउट है काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है। 3 ड्रॉप जैसे यहाँ पे कैमरा दिया गया है, और 4th कैमरा इस साइड में, और फ्लैश, और ये जो 4th कैमरा है ये एकदम बैक के साथ फ्लश्ड है। और बाकी ये 3 जो कैमरा है ये थोड़ा सा उठा हुआ है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे कवर यूज़ करेंगे तो आपका ये जो हम्प है वो भी हाइड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उठा हुआ नहीं है। और साइड से थोड़ा सा बॉक्सी डिज़ाइन है, एकदम राउंड नहीं है, थोड़ा सा बॉक्सी डिज़ाइन है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और जो ऑफ़र के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था, इसमें आप लोगों को एक कैशबैक ऑफ़र मिल रहा है। कैशबैक ऑफ़र के अंदर आप लोग अप टू 2000 रुपीज़ का डिस्काउंट पा सकते हैं इसके MRP प्राइस से। यानी कि अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे आप लोग HDFC क्रेडिट कार्ड से इसको परचेज़ कर सकते हैं, और वहाँ पे आप लोगों को 6 मंथ या 3 मंथ या 9 मंथ का EMI करेंगे तो वहाँ पे क्रेडिट कार्ड से आप लोगों को 2000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग फुल स्वाइप करके, यानी कि एक ही बार में स्वाइप करके पेमेंट कर देते हैं फुल,
तो वहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा 1500 रुपीस का डिस्काउंट। मैंने एक ही बार में परचेज किया है, ईएमआई नहीं किया है, तो 1500 रुपीस का मुझे डिस्काउंट मिल गया है। और ये डिस्काउंट जो कैशबैक है वो 90 डेज के बाद कार्ड में क्रेडिट हो जाएगा। तो काफी अच्छा ऑफर है, एकदम 22000 रुपीस के प्राइस टैग से घट के ये 20500 रुपीस के अंदर आ जाता है। फोन का जो डिस्प्ले है देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, यहाँ पे 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले दिया गया है। इसका फ्लूइडनेस हम लोग चेक करेंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ जो मुझे डिसअपॉइंटेड लगा वो है यहाँ पे इसका डिस्प्ले का लेआउट। यहाँ पे ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले दिया गया है, जबकि इसी रेंज के अंदर सैमसंग के दूसरे फोन्स में, यानी कि पुराना जो फ़ोन है A51 वो भी कुछ इसी रेंज में अवेलेबल है, तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलता है एक पंच होल डिस्प्ले जो डेफिनेटली इससे कहीं बेटर लगता है। साथ ही में ऑनलाइन सीरीज M31S जो कि इससे कम प्राइस में आता है उस पर भी आप लोगों को पंच होल डिज़ाइन देखने को मिलता है, और नीचे का बेजल भी उन दोनों फोन्स में काफ़ी कम है। तो यहाँ पे ये जो फ़ोन है इसका फ्रंट से लुक्स जो है उतना कमाल का नहीं लगा मुझे। पीछे से हालांकि बहुत ही कमाल का है, काफ़ी रिफ्रेशिंग है, काफ़ी अलग एक डिज़ाइन लगता है और काफ़ी स्टाइलिश लगता है। हालांकि यहाँ पे बैक जो है पॉलीकार्बोनेट से बनाया गया है, यहाँ पे ग्लास नहीं दिया गया है। साइड से देखेंगे तो यहाँ पे पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। लेफ्ट साइड में यहाँ पे सिम ट्रे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आप लोगों को ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है जिसमें आप लोगों को दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगाने का जगह मिल जाएगा। बॉटम में देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा प्राइमरी माइक, प्राइमरी स्पीकर और साथ ही में टाइप सी पोर्ट और 3.5 mm हेडफोन जैक। टॉप में देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक देखने को मिलेगा, और फ्रंट में आप लोगों को 20 megapixel का सेल्फी कैमरा और नीचे का थोड़ा सा बेजल देखने को मिल जाएगा। फ़ोन का ओवरऑल साइज़ काफ़ी अच्छा है, एक हाथ से इजीली होल्ड हो जाता है और ग्रिप भी कर सकते हैं आप लोग इजीली। फ़ोन ज़्यादा स्लिपरी भी नहीं है और बॉक्सी डिज़ाइन होने के कारण यहाँ पे हाथ में ग्रिप काफ़ी अच्छा होता है, हाथ में फिट हो जाता है एकदम। फ़ोन का ये फर्स्ट बूट है, तो चलिए देख लेते हैं स्टोरेज सिनेरियो क्या है। और स्टोरेज से पहले मैं आप लोग को यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, तो एकदम लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आप लोगों को मिल रहा है। साथ ही में आप लोगों को वन यूआई का 3.1 वर्जन देखने को मिलता है, तो काफ़ी सारे नए फीचर्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसका एक डिटेल टिप्स एंड ट्रिक्स वाला वीडियो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, वो वीडियो भी आप लोग चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सारे फीचर्स डिटेल में आप लोगों को मैं बता दूंगा। और यूआई ओवरऑल कुछ इस तरह से है, काफ़ी सारे ब्लोटवेयर से प्री इंस्टॉल है, जैसे फोन पे प्राइम वीडियो, सैमसंग मैक्स, स्नैपचैट, डेली हंट, ये सब प्री इंस्टॉल आप लोगों को मिल जाएंगे। हालांकि आप चाहे तो इनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं अनइंस्टॉल का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। मैंने कोई भी अलग से ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, तो यहाँ पे स्टोरेज एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोरेज है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 24 GB यहाँ पे यूज़ हो रहा है, 24.94 यानी कि 25 GB यहाँ पे यूज़ हो रहा है। बाकी 128 GB में से आपको लगभग 103 GB फ्री मिल जाएगा आपके काम के लिए। और डिस्प्ले में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, मोशन के लिए, मोशन स्मूथनेस के लिए हाई है और एक स्टैंडर्ड है। आप अपने हिसाब से चेंज करके इसको रख सकते हैं। अगर आप हाई पे रखेंगे तो आपको ज़्यादा स्मूथनेस यहाँ पे फील होगा, जैसे देख सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ है यहाँ पे, और नॉर्मल स्टैंडर्ड पे रखेंगे तो उतना ज़्यादा स्मूथनेस यहाँ पे नहीं लग रहा है, थोड़ा सा चॉपी यहाँ पे लग रहा है। कैमरे यहाँ पे क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, चलिए एक दो फोटो वगैरह कैप्चर करके आपको बताते हैं। तो जो फोटो आया है देख सकते हैं काफ़ी डिटेल्ड फोटो आया है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा जूम करने के बाद भी उतना ख़राब नहीं लग रहा है, काफ़ी अच्छा डिटेल आया है फोटो में। और यहाँ पे ये लो लाइट में कैप्चर किया गया फोटो है, फिर भी आप लोग देख सकते हैं फोटो में डिटेल्स काफ़ी अच्छे हैं। हालांकि इसका फुल डिटेल कैमरा रिव्यू तो बनता है, तो वहाँ पे आप लोग अगर जानना चाहते हैं कि इसका कैमरा क्वालिटी एक्चुअल में कैसा है, तो वहाँ पे मैं फुल डिटेल में आप लोगों को इसका कैमरा का ओवरव्यू दे दूंगा। चलिए एक वीडियो प्ले करके इसका डिस्प्ले क्वालिटी देख लेते हैं। तो दोस्तों डिस्प्ले क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी क्रिस्प है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे डिस्प्ले लग रहा है। काफ़ी शार्प वीडियो आप लोग देख सकते हैं, और व्यूइंग एंगल भी आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा व्यूइंग एंगल आपको मिलेगा यहाँ पे, एकदम भी कलर शिफ्ट नहीं हो रहा है,
कलर्स तो कमाल के हैं, सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने के कारण काफ़ी अच्छा एक व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा अगर आप इसमें ऑनलाइन कंटेंट या फिर यूट्यूब में वीडियो वगैरह देखते हैं तो। ओवरऑल काफ़ी मज़ा आने वाला है इस डिस्प्ले के अंदर। सिर्फ अगर ये डिस्प्ले पंच होल वाला हो जाता तो और थोड़ा सा मॉडर्न लुक इसको मिल जाता। चलिए एक ऑडियो सैंपल सुन लेते हैं, इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा है वो भी जान लेते हैं हम लोग। ऑडियो क्वालिटी अच्छा है लेकिन थोड़ा सा लोअर साइड में मुझे लगा। ऑडियो क्लियर है लेकिन वही थोड़ा सा लोअर साइड में यहाँ पे ऑडियो लगा, थोड़ा सा लो साउंड लगा और थोड़ा ज़्यादा इन्हेंस हो सकता था। दोस्तों फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर इन डिस्प्ले में दिया गया है और साथ ही में फेस अनलॉक का फीचर भी यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है। चलिए दोनों को देख लेते हैं दोनों कैसा काम करता है। देख सकते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, एक्यूरेटली काम कर रहा है और पिछले सैमसंग डिवाइसेस के मुकाबले थोड़ा सा फास्ट यहाँ पर मुझे लग रहा है, लेकिन कंपटीशन के मुकाबले उतना फास्ट भी नहीं है क्योंकि एकदम इंस्टेंट अनलॉक नहीं कर रहा है, स्लाइट एकदम माइनर सा डिले है। हालांकि हो सकता है एनिमेशन की वजह से भी ये थोड़ा सा स्लो लग रहा है, बाकी आप लोग खुद ही जज कर सकते हैं कैसा आप लोग इसका फिंगरप्रिंट सेंसर लग रहा है। चलिए फेस अनलॉक को देख लेते हैं फेस अनलॉक कैसा काम करता है। देख सकते हैं फेस अनलॉक भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है लेकिन थोड़ा टाइम लगा रहा है फेस को डिटेक्ट करने में। हालांकि यहाँ पे लो लाइट की वजह से हो भी सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। दोस्तों आप सबके लिए ये था सैमसंग गैलेक्सी A32। ओवरऑल डिवाइस काफ़ी अच्छा है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर सैमसंग ने किए हैं, इन कॉम्प्रोमाइज़ को अगर ये सैमसंग हटा देता तो यहाँ पर ये क्लियर डिवाइस हो जाता इस रेंज के अंदर और ये फ़ोन एकदम बेस्ट फ़ोन हो जाता इस प्राइस में। दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूले। इसके रिगार्डिंग आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो देखना है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बता दें, मैं उस वीडियो को आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आ जाऊँगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।